What's up everyone, welcome back to my channel. And we are in Manali today and going to Hadimba temple, which is very near to my hotel. It's somewhere around 3 or 4 kilometers. और काफ़ी अच्छा वेदर है, ठंडा है, बट उतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। तो ये रास्ता है, एक ब्रिज उधर से है इधर आने के लिए और एक ब्रिज इधर से है उधर जाने के लिए। तो ये देखो आप, यहाँ पे क्या सही व्यू आ रहा है, मतलब यही बस स्ट्रेट रास्ता है। थोड़ा सा ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ट्राई करेंगे 4-5 जगह तो एटलीस्ट कवर कर लें, क्योंकि वी आर इन मनाली फॉर ऑलमोस्ट 2-3 डेज। सो दिस इज हिडिंबा टेम्पल और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका आर्किटेक्चर, अमेजिंग। We are going back to our mall road. वहाँ से करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद में निकलेंगे जहाँ पे भी आगे हम लोगों ने डेस्टिनेशन प्लान किया है। We are going to old Manali, where one temple is there, Manu temple. तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे, लोकल जो भी टेम्पल्स हैं वो कवर करेंगे। हाँ यही है ना। सो दिस इज मनु टेम्पल। सो एज यू कैन सी हियर इज मनु टेम्पल, इट्स फुल वुडन वर्क। एंड वहाँ पे आप देखोगे तो पूरा बर्फी से पूरा घिरा हुआ है। तो आई थिंक हम लोग जो आ रहे हैं वो उस साइड से आ रहे हैं, वो है न्यू मनाली, बीच में से जो रिवर जाता है और वो वाला साइड में वैलीज है। दिस इज रियली नाइस। What's your name? Rishi. Nice. स्कूटर कितने का लिया? कार। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वशिष्ठ टेम्पल, जो कि मनु टेम्पल से है 5.5 किलोमीटर्स। एंड आई थिंक वो अपोजिट वैली में है, तो वहाँ से पॉइंट करके तो दिखाया पंडित जी ने, बट समझ भी नहीं आया कहाँ पे। तो वी आर फॉलोइंग द मैप्स ओनली। और यहाँ से लेफ्ट है, ओके, यहाँ से लेफ्ट लेके हम लोगों को जाना है। तो ये वाला तो ब्रिज जितनी बार भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट अच्छा लग रहा है। फ्लैग से लगे हुए हैं, लोहे का ब्रिज है, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में भी। व्यू लेते जाओ और बाइक चलाते जाओ, ऐसा तो कहीं मिलेगा नहीं। बेंगलोर में मैंने काफ़ी बाइक राइड्स की है, कितना 100-300 किलोमीटर्स, कितना कितना दूर गए हैं, बट वो चीज़ में मतलब है कि बस एक थ्रिल है, स्पीड बढ़ाई और उन सब में मज़ा आता है। बट ये जो है एक्चुअली में आप स्लो ड्राइव करो और आसपास में रास्ते देखते चलो, वो उसका अलग ही मज़ा रहता है।
कहाँ पे है ये, तो चेन का लगा रखी है यहाँ पे। अच्छा यही है वशिष्ठ टेम्पल। ओके तो इधर ही साइड में कहीं खड़ी कर देते हैं। सो वुडन कार्विंग्स जो किया हुआ है पूरा अच्छा किया हुआ है इधर ही ना। अच्छा सो दिस इज मेन टेम्पल पूरा वुडन में। अमेजिंग। तो यहाँ से कुछ फोटोज ले लेते हैं। तो इसी रास्ते से कल शाम में पहुँचे थे मनाली और इसी रास्ते में पीछे जाके है नागर। दैट इज़ एक्चुअली समवेयर इन बिटवीन कुल्लू एंड मनाली। तो ये यहाँ पे आप देख लो पूरा रिवर क्रॉस कर रहा है, यही है ब्यास रिवर। और यहाँ पे देखो तो यहाँ से देख सकते हो आप व्यू, क्या क्लियर पहाड़ी दिख रही है और पूरा दूर दूर तक आपको नीचे साइड्स में क्लाउड दिख जाएगा। और नागर कासर यहाँ से 0.2 किलोमीटर दिखा रहा है। काफ़ी स्टीप अचानक से यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है एक्चुअली। माउंटेन ड्यू की बॉटल्स को यूज़ करके डस्टबिन बनाया हुआ है विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। तो ये है कासल, नागर कासल। और यहाँ से यहीं पे पार्क कर देते हैं। तो यहाँ से आप व्यू देखो यार, अमेजिंग। तो दिस इज द कासल नागर। सो टू टिकट्स और ये 600 साल पुराना है और पूरा वुड और स्टोन से ही बना हुआ है। तो मज़ा आ रहा है जो लोकल एरिया है उनको एक्सप्लोर करने में। और हम लोगों ने जो नागर कैसल है वो घूमा, काफ़ी अच्छा है। ड्रोन शॉट्स लिए हैं, आई होप यू लाइक इट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉलो मी ऑन विकेट राइडर ऑफिशियल विच इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं मनाली। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम।